हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी होली आने वाली है तो आज हम घर पर ही ठंडाई बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच बादाम ले लिए, एक बड़ा चम्मच ही काजू लिए हैं, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच खसखस, एक बड़ा चम्मच मगज, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी इलायची और एक चम्मच पिस्ता। थोड़ी सी मैंने इसमें केसर के धागे ऐड कर दिए हैं। अभी हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे भिगोकर रख दूंगी। इसे 4 घंटे के लिए भिगो देंगी मैं। अगर आप इसे ठंडे पानी में भिगो रहे हो तो आप इसे ओवरनाइट भिगो कर रखें या फिर 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अब मैं इसे 4 घंटे के लिए साइड पर रख दूंगी। अब इस मिक्सचर रखे हुए हमें 4 घंटे हो गए हैं, ये देखिए अब ये काफ़ी फूल गए हुए हैं। अब हम इसे मिक्सी में डालकर इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैं 3 चम्मच गुलकंद डाल दूंगी। अगर गुलकंद आपके पास ना हो तो आपके पास फ्रेश गुलाब की पत्तियां हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसका मैं पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए इसका मैंने महीन पेस्ट रेडी कर लिया है। अब ठंडाई के लिए हमारा पेस्ट रेडी है, हम चाशनी की तैयारी करते हैं। अब मैंने खुले बर्तन में 300 ग्राम चीनी ऐड कर दी है। इसमें मैं 250 ग्राम पानी ऐड कर दूंगी। इसमें चीनी अच्छे से घुल जाए तब तक हम इसे पकाना है। इसे हमने कोई एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुलने तक इसे पकाना है। अब इसमें चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम इसमें केसर की कुछ पत्तियां ऐड कर देंगे और इसमें अपना ठंडाई का मिक्सचर भी ऐड कर देंगे। अब ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इसे बनाने के लिए खुला बर्तन ही लेना चाहिए ताकि जब इसमें उबाल आए तो ये एकदम बाहर भी आ सकती है, इसलिए मैंने इसे खुले बर्तन में बना रही हूँ। अभी ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये जो हमारा मिक्सचर इसमें बचा हुआ था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसमें पानी डालकर इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी ये मिक्सचर बनकर एकदम रेडी है, ये थिक हो चुका है। इसे हमें और थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। अब हम इसे गैस बंद करके अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी ये मिक्सचर ठंडा हो गया है और काफ़ी थिक भी हो चुका है। अब हम इसे कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे 1 मंथ तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और कब भी मन चाह तो हम निकाल कर इसे दूध में मिलाकर पी सकते हैं। मिक्सचर को मैंने बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, ये थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया है। इसकी मैं आपको ठंडाई बनाकर दिखा देती हूँ। इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी।
इसमें मैंने ठंडा दूध ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। अब इसे सर्व करने के लिए ग्लास में निकाल देते हैं। इसे मैंने ग्लास में निकाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डालकर इसे गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां रख देंगे। अभी हमारी ठंडाई सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। आप भी इस होली पर अपने घर पर ये ठंडाई बनाइए और सबको पिलाइए, और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर अब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।